प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की। बहुत जरूरी है ये वीडियो देखना, और अभी आप छोटा सा क्लिप देखा होगा, बहुत दिल दहलाने वाला वीडियो है ये, लेकिन बहुत जरूरी है, बहुत कुछ इस वीडियो में अर्जेंट आपके सामने आना पड़ा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से पिता। और जितने लोग उस हादसे में गए पिता परमेश्वर, घर वालों को तसल्ली दे, शांति तसल्ली दे पिता। और जिनको डर आया है पिता परमेश्वर, वो डर का आत्मा दूर होगा यीशु मसीह के नाम से, जैसा आपने कहा है पिता। जो आप बताते हो पूरा होता है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन हम दया चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे से तो छोटी सी वीडियो कल भी मैंने डाली थी, लेकिन इसमें मैं सामने खुद आया हूँ। और ये वीडियो है, अभी जो प्लेन क्रैश हुआ है नेपाल में, हम सब जानते हैं, और सब लोग उस प्लेन में दुर्घटनाग्रस्त में दुखद मृत्यु सबकी हो गई, इसका हमें खेद है। और इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे प्रियजनों के लिए, क्योंकि एक जो इंसान गुजर जाता है एक्सीडेंटली में, तो एक एक्सीडेंट का जो एक सदमा लगता है परिवार को, वो बहुत बड़ा होता है। और एक भय का आत्मा आ जाता है, एक डर का आत्मा आ जाता है। और जब ये न्यूज वायरल होती है, जब इतनी बड़ी घटना घटी है, तो काफी लोगों को भी डर आ जाएगा कि हम प्लेन में कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। तो परमेश्वर ने वही कहा है कि डर नहीं है, परमेश्वर शांति देंगे हम सबको, और डर का आत्मा दूर होगा, एक वादा भी करा है। दूसरा, आपको पता था कि परमेश्वर बताया था कि 2023 महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा संकट भरा है, शायद आपने वो भविष्यवाणी को इग्नोर कर दिया या नहीं सुना। और दुखद मृत्यु में दो महिला भी या फिर और भी हो गए, इसमें चली गई। तो ये सब भविष्यवाणी प्रभु ने मुझे पहले से बता देते हैं, ताकि हम प्रार्थना कर सके। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आपको डरना नहीं, बल्कि प्रार्थना करनी है। और उस भविष्यवाणी को जो महिलाओं के ऊपर है, जरूर देख रहा है, उसका लिंक नीचे डाल रखा है, आप देखोगे तो आपको प्रार्थना करने का जो मौका दिया है उसमें, वो जरूर करना। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश सभी के लिए हो, सबको तसल्ली दे, और इस संकट से सबको उभारना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे से तो बहुत ज्यादा दुखद हादसा हुआ है, और हादसा दुखद ही होता है, पता नहीं होता पल भर में क्या हो जाता है। जैसे अभी ये एयर होस्टेस थी तो वीडियो बनानी थी, बड़ी खासी मजाक, मतलब एक खुश मिजाज इंसान सफर करता है तो इंसान इंजॉय करता है, लेकिन उनको नहीं पता था कि इनका सफर आखिरी सफर हो जाएगा। ऐसे एक भाई थे, उन्होंने भी फेसबुक लाइव के द्वारा बहुत वीडियो बनाई इसी प्लेन के अंदर, जो न्यूज में बता रहे थे, और उसके द्वारा भी उनका वो सफर भी आखिरी हो गया। तो बहुत ज्यादा दुखदायी है, लेकिन प्रभु ने एक वचन दिया है 91 भजन संहिता 91, उसका साथ में लिखा है, तेरे निकट हजार, तेरी दस, तेरे दाइनों दस जा करेंगे, परंतु तेरे पास ना आएगा। यानी कि अगर हम ऐसी खबर देखते हैं तो हमें डरे ना है, क्योंकि हादसे होते हैं, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करें, उनके परिवारजन के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर को उभारे। और जो भय का आत्मा आता है, जो डर का आत्मा आता है, बहुत लोगों के जीवन में डर का आत्मा तुरंत आ जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अब हम कैसे सफर करेंगे। या उनके प्रियजन की भी डर का आत्मा आ सकता है कि अब हम प्लेन में कभी नहीं जाएंगे, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, और हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। वचन कहता है, तेरे निकट हजार, तेरे दाइने दस जाया करेंगे, तेरे पास ना आएगा। यानी कि ऐसी खबर है, हमें सुनाई तो देगी, लेकिन परमेश्वर हम सब पर दया करेंगे। तो आज इस वचन के द्वारा, और ये बहुत ज्यादा दुखदायी है कि कैसे पल भर में सब लोग चले गए, तो हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, जैसा आपने बोला वैसे मैं बोलूं, मेरा बोला तेरी ओर से हो पिता। उन परिवार पे जितने लोग चले गए, उनके सभी परिवार पे पिता तेरी शांति हो पिता, उनको इस गम से बाहर निकलने के लिए पिता हिम्मत ताकत को बदे, और जो काम उनके अधूरे रहेगा पूरे करना। सबको शांति दे पिता, शांति देना नेम ऑफ जीसस। और जो लोगों में डर का आत्मा है, वो डर का आत्मा दूर करना, हाँ और आमीन के साथ प्रार्थना सुनना, कबूल करना। और सबके आने जाने में, सबके सफर में, हर जगह पे सुरक्षा का बड़ा बांधना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। वीडियो का लिंक नीचे है, जरूर देखें, भविष्यवाणी है महिलाओं के ऊपर 2023 के लिए, जरूर देखना। जय मसीह की।